अस्सलामुअलैकुम याली मदद, आज मैं शहजादा गार्डन पे हूँ और मेरे साथ है आसिम मलंग। मैं हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैप वीडियो पे और टिकटॉक पे भी। मैं नहायत ही खूबसूरत जगह आपके लिए लेके आया हूँ, जिसी किसी शहजादे ने बनाया है। पुरानी जगह है लेकिन अमेजिंग जगह है। ये है ईरान के करमान के बहुत करीब तरीन, कस जगह पे है। हजरत आपको एड्रेस बताता है। हमारे साथ रहें और इस जगह को देखते रहें, और जब भी आएँ तो ज़रूर देखें, ज्यारत भी करें और ये जगह भी देखें। यहाँ पे बहुत खूबसूरती है। क्या क्या खूबसूरती है ये हजरत बताएंगे, क्योंकि हजरत भी किसी शहजादी को ढूंढ रहा है और ऐसी जगह बनवाने के चक्कर में। लेकिन शहजादी अगर आ जाए तो आ जाए, हो सकता है शायद आए। तो हम बात करते हैं, ये महान के बिल्कुल करीब है, थोड़े से महान से 6-7 किलोमीटर के फासले पर है। शहजादा गार्डन में इस वक्त मौजूद हूँ मैं और आपको ये दिलकश मंजर दिखा रहा हूँ। पानी बहुत पहाड़ों से आ रहा है और मेरे पीछे एक वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की जगह है और उसके पीछे पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी हुई हुई है। तो देखते लो ना, तस्वीरें नहीं खींचनी। ये चश्मे का पानी जो वहाँ से गायब हो रहा है और यहाँ से दोबारा नमूदार हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त मंजर है। इस तारीखी जगह को तकरीबन और लोग दूर दराज से ये बाग देखने आते हैं। ये 1944 में इसको बनाया गया। वाओ, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त शहजादा गार्डन में हूँ और ये खूबसूरत स्ट्रक्चर आपके सामने है और मेरे पीछे आप देखते हैं ये कितना पीछे दूर तक जा रहा है और पानी आ रहा है। इसको डिस्कवर किया हम लोगों ने फिल वक्त आपके लिए, कि हम ज़्यारतों के हिसाब से देख रहे थे और हम देखते देखते इधर हम आए। जब हमने एंट्री की तो हमें पता लगा कि ये तो बहुत खूबसूरत जगह है, तो हमने बोला इस पर भी एक व्लॉग बनाया जाए।
शहजादा गार्डन में जाने के लिए 100,000 आपको जो है देना पड़ता है टूरिस्ट को, और लोकली ईरानी जो है वो 50,000 देंगे तो मान पे करेंगे तो यहाँ एंट्री हो सकती है। शहजादा गार्डन जो है वो करमान से महान से थोड़ा सा आगे, तकरीबन आप कह लें 6-7 किलोमीटर आगे ये जगह मौजूद है, और यहाँ लोग दूर दराज से आते हैं इसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए, क्योंकि पानी बहुत दूर से जो है वो आ रहा है, जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ ये खूबसूरत मंजर। आए आगे इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कौन से बादशाह ने या कौन से बादशाह के बेटे ने या इमामजादगान में से किसी ने इसको बनाया। पानी को इस तरह से फैलाया हुआ है कि वो दोनों तरीकों से भी जाता है और उसके साथ साथ दोनों साइडों से भी और बीच में से भी जाता है, और आगे जाके पानी गायब भी होता है और फिर नीचे से चश्मे की तरह फूटने लगता है। तो आगे देखें, मैं एक करीब तरीन लेके जा रहा हूं आपको। और रात में यहाँ लाइटिंग भी हो जाती है, बहुत खूबसूरत व्यू है। बनाने वाले की सोच देखे, उसने पहाड़ को कैसे काट के किस तरह से मुख्तलिफ हॉज बनाए और उस हॉज में जो है वो पानी को इस तरह से डिवाइड किया है कि वो एक दिलकश मंजर देता है। बहुत खूबसूरत गार्डन है और ये फाउंटेन्स लगे हुए हैं, और ये शाम में चलते हैं, लाइटिंग के साथ चलते हैं, बहुत मज़ा आता है। अब गार्डन के चारों तरफ आप देखें लंबे लंबे ट्रीज हैं आपको नजर आएंगे, और दो तरह के दरख्त हैं, एक आप क्रिसमस ट्री भी कहते हैं जिसको आम जबान में वो भी है, और दूसरे भी दरख्त हैं जो बाहर के साथ साथ जो हैं वो झड़ते रहते हैं खिजा के मौसम में। एक और व्यू आपको मैं बताता चलूं, ये एक और हौज आ गया हमारे पास, पॉन्ड है, और इसमें आप देखें मजीद अगर हम स्टेप ऊपर आए और यहाँ पर पानी की स्पीड वैसे ही है और दिलकश मंजर है, सामने पहाड़ है, अगर आपको मैं करीब करके दिखा सकूं तो बर्फबारी है पहाड़ पर और बर्फ हुई हुई है। इसी तरह हम पीछे को देखें अपने, तो हम बहुत से नीचे छोड़ते आ रहे हैं चीजें, आगे चलें। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी आपको मिलेंगे और ड्राई फ्रूट्स हमने शुरू में जैसे आपको दिखाया है, हम आसिफ मलंग को फॉलो कर रहे हैं। आसिफ मलंग हमारे साथ साथ है और इनसे हम बात करेंगे कि क्या है इन्होंने आके फील किया और क्या यहाँ महसूसात है इनकी ज़ियारत से हटकर। ये भी कोई कदीमी चीज़ है जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है वर्ल्ड हेरिटेज के हिसाब से। आसिफ मलंग से थोड़ी सी बात करते हैं और इनके तासुरात जानते हैं। जी आसिफ मलंग, ये बहुत खूबसूरत जगह है और क्या कहते हैं दुनिया की खूबसूरत पुरानी जगहों में से जो है ये फाइनलाइज की गई है, लेकिन ये आप आके देखेंगे तो मैं आपको नहीं समझा सकता। इस टाइम ये एडवेंचर किस्म की जगह है, कहते हैं कि ये किसी शहजादे ने बनाई थी, हजरत ने कहा है कि मैं भी किसी शहजादी के लिए बनाऊंगा, लेकिन हजरत के पास शहजादी नहीं है तो मुझे लगता है हजरत का ये अधूरा ही रहेगा। और हम अभी आपको डबल दिखाएंगे, ट्रिपल दिखाएंगे और ट्विन वन दिखाएंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे और पूरी कवरेज दिखाएंगे। जब भी आप महान की तरफ आएँ तो ये ज़रूर देखें, बहुत खूबसूरत जगह है। थोड़ा सा महंगा है, पैसे लेते हैं यहाँ के लोग, कोई बात नहीं, लेकिन जगह के हिसाब से कम नहीं है। मैं था आपका आसिफ मलंग, हम बात करेंगे अजहर के साथ भी और जगह के साथ भी, और चलते रहेंगे, देखते रहेंगे और मज़ा से मज़ा करते रहेंगे। काफ़ी ऊपर हम आते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, आपको मैं दिखाता चलूं कि ये हम हिस्सा एक कवर कर चुके हैं और एक हिस्सा मैंने यहाँ पीछे भी उठ जाना है, तो आगे बढ़ते आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं। खूबसूरत दरख्त और सूखते पत्ते गिरना, जैसे मोहब्बतों में पत्ते गिरते हैं उड़ते हैं, जो मोहब्बत फिल्म है उसी की तरह यहाँ पे भी हो रहा है। अच्छा लग रहा है, आए अपने चाहने वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, और इन्जॉय करें इस खूबसूरत जगह को। शाम के वक्त ये जगह ज़्यादा रोशन होती है और ज़्यादा रश होता है।
हम यहाँ दिन के वक्त आए ताकि हम वीडियो शूट कर सकें और आपको इस जगह का बता सकें और आप नेक्स्ट टाइम यहाँ आ सकें। एक और पानी का फॉल दिखा रहे हैं आपको। तो कैसे लगा आपको? आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, मजीद और चीजों को देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं आपके लिए। काफी ऊपर आ चुका हूं मैं और दरख्त देख देख के और नीचे सूखे पत्ते गिरते हुए और पांव के नीचे आते हुए उनकी कड़क कड़क क्रिस्पी की टेस्ट तो नहीं कहूंगा, जो टूटा तो हम ब्रेक करते हैं या तोड़ते हैं तो जो आवाज आती है वो आवाज सुनते हुए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ पुराने लोगों के पास इतना टाइम था कि वो अपनी सुकून की जगह बनाने के लिए सदियाँ या सालों लगाते थे और उनको उनके बाद में आने वाले उसको लेके चलते थे। वो सिर्फ ये नहीं सोचते थे कि वो सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं, वो ये सोचते थे कि हमारे बाद में आने वाले लोग भी इसको जो है वो जानेंगे और एक तारीख रकम करके जाते हैं यहाँ गए हैं। सॉरी, खूबसूरत तरीन मंजर घूमने के हिसाब से दोनों साइडों पे पार्क दिया हुआ है और स्पेस है, लोग वहां पे भी बैठते हैं। और ये जगह जो सामने मेरे आ गई है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, उनकी लिस्ट में है। और इससे भी ऊपर पहाड़ हैं और पहाड़ों से ये पानी स्पीड में आ रहा है और इसको मुख्तलिफ अंदाज में ब्रेक किया हुआ है रास्ते बनाकर और डिफरेंट पैसेज बनाकर आए। ऊपर से देखें बहुत खूबसूरत है और साथ में मुझे इस जगह पे ये जो जगह है यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ वॉशरूम्स भी हैं, यानी कि नहाने के निज़ाम है। पुराने ज़माने में इसी तरह के बनाए जाते थे और एक हौज होता था गर्म और ठंडे पानी के मिक्सचर से और वहाँ पर जो है वो बांध लिया जाता था, जो आपने काफ़ी पुरानी फिल्मों में भी और पुराने दौर की हिस्ट्री में भी देखा होगा या सुना होगा। ये पानी है मेन आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है आगे चलते हैं और रेस्टोरेंट भी लग रहे हैं मुझे, उन्हें भी देखते हैं। अब इस जगह पे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं और यहाँ पे बैठने का निज़ाम है और लोग सुकून से रात में बैठते हैं, ठंडी हवा भी लेते हैं और बहुत कुछ यहाँ हल्का म्यूज़िक भी चलता है और तन्हाई में अपना टाइम गुजारते हैं अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और लास्ट ओवर में हमने एक्सप्लोर किया कि ईरानी जो हैं वो मगरिब के बाद जो है वो घर से बाहर ज़्यादा टाइम गुजारने की कोशिश करते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने चाहने वालों के साथ। ये खूबसूरत मंज़र, रेस्टोरेंट और ये पुरसकून
हवा और उसके साथ पानी का शोर आपको बताता है कि आप अपनी रूह को ताज़ा करने में लगे हुए हैं और अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने आप को सुकून की दुनिया में लेके जा रहे हैं। पीछे पहाड़ में आप देखें, पीछे बर्फ़ पड़ी हुई है और उस बर्फ़ की वजह से यहाँ ठंड भी है। ये आप देखें पार्क और हम पानी देख रहे हैं, पानी अभी तक नहीं मिला कि कहाँ से निकल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि कहाँ हमें जगह मिल सकती है और छोटी छोटी जगह डिस्कवर किए और सर्दी में भी खाने की या फैमिली के साथ बैठने के लिए भी कुछ इन्होंने जो है वो इंतज़ाम किए। ये छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए हुए हैं जहाँ पर लोग बैठते हैं और अपनी फैमिली के साथ या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, टाइम गुजारते हैं, कावा पीते हैं। और पानी अभी तक स्टिल हम देख रहे हैं कहाँ से आ रहा है। थोड़ा सा हम घूमेंगे और देखेंगे। ये बहुत मज़े के हैं जो ठंड में आपको सेफ साइड देते हैं और यहाँ की हवा और यहाँ के मौसम के लिए आपको जो है रिलैक्स करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये बाग है शहजादा और मेंटेन किया हुआ है ईरानियन गवर्नमेंट ने और लोकल कम्युनिटीज़ ने। एक अच्छी साइन है, एक अच्छा स्पेस है लोगों के लिए और ईरान वैसे ही मशहूर है बहुत सारी चीज़ों में और इन चीज़ों में भी कि यहाँ पीस ऑफ माइंड बहुत है, पीस ऑफ सोल बहुत है। यहाँ इंसान अफरा तफरी में नहीं है, यहाँ इंसान सकून में है और सकून के हिसाब से ही अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करता है। यहाँ के लोगों में मैंने वो बेचैनी नहीं देखी जो हमारे यहाँ पाई जाती है। यहाँ के लोग पुरसकून रहते हैं, कम खाते हैं, कम कमाते हैं और खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। ये अपनी ज़रूरत के तहत चलते हैं। इनमें भी हैं कुछ लोग जो शहरों में हैं और ज़्यादा कमाने के चक्कर में होते हैं, बट ज़्यादातर जो लोकल्स हैं वो सुकून से रहते हैं और सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इसीलिए ये मगरिब के बाद जो है वो निकलते हैं और अपनी ज़िंदगी को पुरसकून बनाते हैं। ये आखिर में हम ये पानी देख रहे हैं कि पानी आहिस्ता आहिस्ता हम एंड पे पहुंच गए हैं इसके और पीछे बिल्कुल बर्फ है और खिजां के जो ये पौधे का नाम नहीं पता, बस ये पता है ये मोहब्बतों वाले पत्ते हैं जो मोहब्बत मूवी थी। हाँ, एक जगह ढूंढी है अभी जहाँ से ये पानी इन हो रहा है यहाँ पर और लेके चल रहे हैं आप। ये देखें यहाँ से दो हिस्सों में पट रहा है पानी और ये पीछे कहीं से आ रहा है जो ताज़ा शफाफ पानी है, पीने वाला है। दिस इज द पॉइंट, यहाँ से पानी आ रहा है और आगे तक जा रहा है और ये खूबसूरत सा व्यू और मौज मस्ती। चलते हैं हम आगे यहाँ से और अपनी वीडियो को एंड तक पहुँचाते। खासी लंबी वीडियो हो गई है बट हम एक्साइटेड हैं कि यहाँ पर जो है ये निज़ाम, ये खूबसूरती और ये सब कुछ देखकर कि पानी जहाँ होता है वहाँ हरियाली या ज़िंदगी होती है और वाकई हमने देखा है कि जहाँ पानी है वहाँ ज़िंदगी है। वही पानी हमारे अंदर भी है, वही पानी जानवरों के अंदर भी है, वही पानी पौधों के अंदर भी है। यही केमिस्ट्री है जो अल्लाह ने सेम रखी है ताकि इंसान अपनी हद से बाहर ना जाए और अपनी हद में रहकर ही वो सारे काम अंजाम दे सके। ये हट्स के हम बैक साइड पर हैं, पानी यहाँ से डिवाइड होकर अंदर चला गया। एक और पैसेज यहाँ पर है और यहाँ पर फिल वक्त ये बंद है, पानी शायद यहाँ पर नहीं है और लोग अपने आप को यहाँ तन्हाई में टाइम देते हैं। ये जो है पुराने ज़माने में जो आप सामने देख रहे हैं, ये पुराने ज़माने में वॉशरूम थे या आप कह लें कि गुसलखाने थे जो
यहाँ आग जलती थी और पानी गर्म होता था, बड़े बड़े हौज थे। उस वक्त के जो उमरा शहजादे या बादशाह जो थे यहाँ पे गुसल किया करते थे। और इस जगह को खूबसूरत जगह पर क़याम किया करते थे और अपनी सेहत के हिसाब से और अपनी दीनी और दुनियावी ज़िंदगी के मामलात यहाँ पर तय किया करते थे। अस्सलाम वालेकुम, ये मेहमान खाना है यानी कि आपका है। ये रेस्टोरेंट है, ये इसके अंदर का हिस्सा है। उस ज़माने में तो ये गुसलखाने थे, बट यहाँ पर जो है वो अब लोगों के लिए मेहमान खाने बना दिए हैं और होटलिंग है बकायदा यहाँ पर, और मुख्तलिफ ये बने हुए हैं और भट्टी भी है यानी कि आग का सिलसिला भी है, अंगीठी या कह लें इसको, आगदान भी है। और पुराने ज़माने में ये कुछ इस तरह हुआ करते थे, इनको वक्त के हिसाब से रेनोवेट किया गया है क्योंकि तकरीबन ये 1000 साल से ज़्यादा पुराने हैं और कुछ चीज़ें इनकी रेनोवेट की हैं। और अभी हमारे दोस्त हैं, एक उन्होंने हमें कहा है कि ये तकरीबन 600 से 700 सदी में जो है हिजरी में ईस्वी में बना है। और मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, फैमिलीज भी बैठी हुई हैं और अंदर चलते हैं और ये देखते हैं। वाह, मज़े की जगह है, पुराने दौर को नए दौर में चेंज किया। और यह एक बेहतरीन रेस्टोरेंट है, जो लोग बाहर हवा का मज़ा नहीं लेना चाहते, खामोशी और चाहिए, वो इस जगह पर आते हैं। यहाँ पर दो तरह से सिटेंगे, चेयर्स के साथ भी है और ये मखसूस ईरानी स्टाइल में भी है और हीटर लगे हुए हैं। मज़े की जगह है, यहाँ आप आएँ। काश मैं रात रुकता तो मैं यहाँ पर ज़रूर आता और यहाँ पर मैं डिनर ज़रूर करता। इसको दोबारा से रेनोवेट किया तकरीबन 150 साल पहले की बात है, मोहम्मद हमीद मिर्ज़ा नासिरुद्दौला ने, जो मुग़ल एम्पायर से रिलेटेड थे, और उन्होंने इसको दोबारा से बनाया और यहाँ पर अपने उस वक्त के जो बादशाह थे उनके लिए और उनके अहल खाना के लिए उन्होंने यहाँ तफरी का सामान मुहैया किया, ताकि वो जब इंडिया, मौजूदा इंडिया से यानी कि हिंदुस्तान से जब वो ट्रैवलिंग करते हुए यहाँ पर आए खोरासान की साइड पे यानी कि ईरान की साइड पर, और यहाँ से आगे वो बगदाद और फिर उसके बाद मदीना और मक्का जाए, यहाँ फिर तुर्की साइड पे जाए, तो यहाँ ठहरते हुए कई अरसा यहाँ गुजारें या चंद दिन गुजारने के बाद फिर वो आगे बढ़ें। तो ये अब जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज में ये आ चुका है और इसको आखिरी बार जो रेनोवेट किया था वो तकरीबन 150 साल पहले था। तो ये छोटा सा मुख्तसर सा विज़िट है हमारा, कोशिश की है इसे भी अंदर से हम देखें, खुला है तो एक्सप्लोर करें। और इस एक्सप्लोरेशन में हम देखें कि यहाँ पर इन्होंने और क्या क्या रखा हुआ है जो ये वर्ल्ड हेरिटेज में आया। ये तकरीबन 1304 में नासिरुद्दौला ने, यहाँ के लोकल ईरानी कहते हैं कि उन्होंने बनाया, और ये गार्डन बनाया उस वक्त के एम्पायर्स के लिए जब वो हिजरत करते थे एक जगह से दूसरी जगह। अभी अंदर जो है फोटो स्टूडियो बना दिया गया है और ये गैलरी है, और यहां से आप ये व्यू देख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल व्यू है और बहुत मजे का लग रहा है मंजर। यहां से वो नीचे तक आप देखें, आपको मज़ा आएगा। ये बिल्कुल नीचे तक देखें, जहाँ तक मैं उंगली दिखा रहा हूँ अपनी, ये देखें इस साइड पर बहुत वेदर अच्छा है, सामने भी पहाड़ है उन पर भी बर्फबारी हुई है और यहाँ पे भी है, और हवा भी बहुत मज़े की चल रही है। ये थी मुख्तसर सा हमारा विज़िट बागे शहज़ादा के लिए, और बहुत खूबसूरत जगह है, हमने रेस्टोरेंट की जगह भी बताई।
ये उनके मेरे पीछे बिल्कुल रहने की जगह है जहाँ पर अब एक फोटो स्टूडियो और एक शॉप है और यहाँ पे लोगों को एंटरटेन करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, उनकी यादगार को मेमोराइज को अच्छा बनाते हैं। तो मेरे साथ लगे रहें, जुड़े रहें और इन्जॉय भी करते रहें और ज्यारतें भी करते रहें। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, नए तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने चाहने वालों को ज़रूर शेयर करिएगा और बताइएगा मुझे कि आपको ये बागे शहजादा कैसा अच्छा लगा या क्या इसमें और हमें करना चाहिए था जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग जर्नी ऑफ फेथ ऑन यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। जब पानी का प्रेशर ये है तफरी और ये है बहुत सारा नॉलेज के साथ साथ बहुत सारा खाना पीना, ड्राई फ्रूट्स और यहाँ की आप बिल्लियाँ देखें माशाल्लाह से सेहतमंद मुझसे ज़्यादा हैं। और आप ये देखें, अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं खाने पीने की हैं, सर्दी के हिसाब से हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये डॉगी भी यहाँ के बड़े मज़े के हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के करीब और नेक्स्ट ज़ियारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो स्टे विद अस।